ये संजोग है या कुदरत का लिखा? एक ऐसी लोक गायिका जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके गीतों के बिना छठ अधूरी है। आज छठ के दिन ही वो हमारे बीच नहीं है। बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का गुरुवार को पटना के गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। फूलों से सजे मुक्ति रथ पर शारदा सिन्हा के घर से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में बीजेपी नेता रामकृपाल यादव समेत उनके कई चाहने वाले शामिल हुए। शारदा सिन्हा बिहार के गौरव, यूं कहिए देश के गौरव थी। आज उनके नहीं रहने से संगीत जगत में खालीपन हो गया है, और खास तौर पर इनका जो शुरुआती जीवन था वो छठ मैया के गीत से प्रारंभ हुआ था। ऐसा संयोग कहिए कि छठ मैया के दिन के दिन ही वो निधन हो गया, दुनिया से चली गई। शारदा सिन्हा को उनके बेटे अंशुमन, परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों ने कंधा दिया। अंतिम विदाई के समय शारदा सिन्हा अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा शारदा तेरा नाम रहेगा, और छठी मैया की जय के नारे गूंज उठे। अंतिम संस्कार से पहले शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को पटना में उनके राजेंद्र नगर वाले घर पर रखा गया था, जहां उनके करीबी और शुभचिंतकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बेशक आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं, और छठ के इस महापर्व के दिन उन्हें याद कर रहे हैं। छठ के गीतों को दुनिया के हर घर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे में इस साल जिस दिन छठ की शुरुआत हुई, नहाय खाय के दिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ, यकीनन ये एक ऐसी क्षति है जो कि कभी कोई दूसरा व्यक्ति इसको पूरा नहीं कर सकता। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी, मेरे परिवार के लिए भी, क्योंकि उनसे एक पुराना रिश्ता रहा। शारदा सिन्हा मिथिला की बेगम अख्तर के नाम से मशहूर थी। कहा जाता है उनके गीतों के बिना बेटी की विदाई और छठ अधूरी है। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रही थी। दिल्ली के एम्स में मंगलवार रात उनका निधन हो गया।